एडिशन या बल्याजी या अंडर एडिशन, इसको नाम देते हैं। ये हमने नाम दिया, इसको पहले नाम देना चाहिए था। ये सेट को हम नाम देते हैं, अपनी आसानी खातिर हम इसको नाम देते हैं। अब इसमें आप देख लें कि जीरो को जीरो के साथ जमा करें, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और जीरो का ताल्लुक इसी तरह, जीरो को आप वन के साथ जमा करें, क्या आएगा? वन। और इसका ताल्लुक ऐसे है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वन को अगर आप वन के साथ जमा करें, क्या आएगा? वन को वन के साथ जमा कर लें, टू। लेकिन इसका ताल्लुक इस सेट से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये खासियत बंदिश बल्याज से जमा नहीं रखता, ठीक है ना? क्योंकि खासियत बंदिश बल्याज से जमा ये कहता है कि किसी भी सेट के अरकान को किसी भी अंदाज से आपस में जमा कर लें तो उसका मजमुआ एक ऐसा नंबर आ जाए जो उसी सेट में मौजूद हो। अगर उसी सेट में मौजूद था तो वो खासियत बंदिश बल्याज से जमा रखता है, अगर नहीं था तो। अब चूंकि यहाँ पर देखें, अपने एक इसको तो हमें इसके साथ जमा किया तो ये आया इसमें मौजूद था, ठीक है। ज़ीरो को वन में जमा किया, ये दोनों ज़ीरो का ताल्लुक इसी से है ना, ज़ीरो और वन का ताल्लुक। इसके अरकान को इस तरह जमा किया, लेकिन यहाँ पर एक को एक साथ जमा किया, एक ऐसी रकम आई जो कि इसमें मौजूद नहीं, तो एक केस भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका मतलब है खासियत बंदिश बल्याज से जमा नहीं रहे। दो का ताल्लुक ऐसे नहीं है ना, ये वाला, चूंकि ये ए जमा एक हमने जमा किया, दरअसल कि ए क्या था, एक का ताल्लुक किस ए से था ना, समझ में आया कि बात? ये आप इसको समझे, ए का ताल्लुक ए से था, लेकिन इसको जब एक के साथ जमा किया, खुद उसी के साथ जमा किया, तो एक ऐसी रकम आई जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसने उस शर्त को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि सेट 10 खासियत बंदिश बल्याज है, खासियत बंदिश बल्याज है, बल्याज जमा ज़रब, खासियत बंदिश बल्याज ज़रब। इसमें ये कहता है कि इसके अरकान को किसी भी तरीके से ज़रब दे दे तो जवाब एक ऐसा आना चाहिए जो कि उसी में मौजूद हो, तो खासियत बंदिश रखता है बल्याज ज़रब, ठीक है ना? अगर इस तरह की कोई ऐसी रकम आ जाए जो कि इसमें मौजूद ना हो ज़रब देने के बाद, तो इसका मतलब ये खासियत बंदिश बल्याज से ज़रब नहीं रखता, ठीक है ना? अच्छा, एक तो ये एक मिनवलियम इस अंदाज से कर लेना इसको। इसका एक दूसरा तरीका है कि इसमें ऑल पॉसिबल जो एडिशन हो सकता है उसके अरकान को, या ज़रब हो सकता है उसके अरकान, उनके अरकान का आपस में ज़रब देने का जो ऑल पॉसिबल वेज है वो किस तरह होगा उसको ज़रा आप देख लें, ठीक है ना? मसलन इसमें आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर जितने भी अरकान हैं, बस ये तो मुख्तसर है, एक दो रुकन है ना, तो इसी इसके अरकान को एक दफ़ा इधर लिख लें और एक दफ़ा इधर, ठीक है ना? यहाँ पर खासियत रखें, जो खासियत हमने उसको उसके मुताबिक हमने जो दिया गया है उसके मुताबिक हमने चेक करना है कि कौन सी खासियत है। अब यहाँ पर क्या खासियत है बंदिश बल्याज है, इसको हमने चेक करना है कि ये रखता है या नहीं रखता। तो सारे अरकान को हमने क्या किया, इसके अरकान को 01 इधर लिखा, 01 इधर लिखा, ठीक है ना? अब इनको आप ज़रब दे दें, क्या होगा? 0 ज़रब 0 क्या आएगा जो आप 0 इंटू 0 0, 0 ज़रब 1 क्या आएगा 0, 1 ज़रब 0 1 ज़रब 1 ज़रब 1 1 ज़रब 1 क्या आएगा 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो आज ये आप इसको आप देख लें, इनके सारे अरकान किस में है, खुद इस सेट ए में मौजूद है ना, समझ गए ना? तो हम कह सकते हैं कि ये सेट खासियत बंदिश बल्याज से ज़रब रखता है, ठीक है ना? यानी कोई ऐसा ऐसी रकम नहीं आई ज़रब देने के बाद जो कि इस सेट में मौजूद ना हो, सारे उसके में मौजूद है, ठीक है ना?
हासिल ज़रब सारे इसमें मौजूद है, तो उसका मतलब है ये सेट खासियत बंदिश बल्लियाज़ ज़रब रखता है, ठीक है ना। लिहाजा तो ये जो सेट था हमारे पास, ये खासियत बंदिश बल्लियाज से जमा नहीं रखता, ये दो की वजह से, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर उसके किसी भी अरकान, उसके अरकान को आपस में किसी भी तरह से ज़रब दे दे तो कोई ऐसा रुक नहीं आता जो कि इस सेट में मौजूद ना हो, सारे के सारे असल ज़रब उसमें मौजूद है। तो लिहाजा ये सेट खासियत बंदिश बल्लियाज से ज़रब रखता है, जबकि खासियत बंदिश बल्लियाज से जमा नहीं रखता।